तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए आ गया हूँ टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेके। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, या कम से कम कमेंट तो कर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले दिखा लो टेबल से फोन डालो लेडीज का लगाओ, क्योंकि ये वीडियो की सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे नए दोस्तों, मैं आपके लिए आ गया हूँ टोक्यो रेंजर्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर। जैसे कि आप जानते हो कि भाई साहब हमारे टोक्यो रेंजर्स में नए नए चैप्टर आते जा रहे हो, भाई साहब नई नई हाइप बढ़ती जा रही हो, और सबसे ज़्यादा हाइप बढ़ाने वाला काम किया भाई साहब टाइम ट्रैवलर ने। तो भाई ये दूसरा टाइम ट्रैवलर आखिरकार है कौन, इसको दो मिनट के साइड में रखते हैं और भाई साहब हम एक अपनी नई गैंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि गैंगों के बारे में सब लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी गैंग आ चुकी हैं जो कि फ्यूचर तक की टिकी हैं। पहली थी भाई टोक्यो मांजी गैंग, दूसरी थी कांटो मांजी गैंग और तीसरी थी बोन टेन। लेकिन भाई जो दो गैंग आगे की थी वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी अभी भी एक गैंग चल रही है जो कि होती है हमारी कांटो मांजी गैंग, जो कि बाद में जाके बनेगी बोन टेन गैंग। तो उसी में भाई बहुत लोगों की हम लोग की इमेजेस दिखाई गई थी कि कौन कौन बंदा उसमें बोन टेन गैंग में है। लेकिन भाई कुछ कहीं पे हम लोग को एक चीज़ मिस कर दी लोगों ने, या फिर उन लोगों ने वीडियो बनाए नहीं कि भाई साहब हमारे जैसे कि वकासा और बैंक के थे उस बोंटन गैंग में शामिल नहीं थे, और बजाय हमारे कांटो मांझी गैंग के। कांटो मांझी गैंग में वो बंदे शामिल हैं, लेकिन भाई साहब बोंटन में शामिल क्यों नहीं है इसके बारे में मेरे को नहीं पता। लेकिन ये भी नहीं पता कि भाई साहब हानमा भी उस गैंग में शामिल नहीं है। एक तरह से भाई साहब यही हो सकता है कि हानमा तो भाई साहब टाइम ट्रैवलर हो नहीं सका, मास्टरमाइंड हो नहीं सका, लेकिन भाई साहब बैंक और वकासा ये दोनों ऐसे बंदे थे जिसको केनवी वाको ने खुद भाई अपने हाथों से तैयार बनाया था। क्योंकि जिस तरह से हम लोग को पता है कि हमारे टोक्यो रिवेंजर्स की शुरुआत में सबसे पुरानी गैंग हमारे कोडो रेनगोउ जो कि 12 एंशिएंट गैंगों से मिलकर बनी हुई थी, और हमारा रेड क्लिफ यानी हमारा बैंक जो कि गैंग का लीडर था रैग्नारॉक का, वो भाई कितने ताकतवर थे। जैसे कि लोगों को पता है कि 384 में 100 से ज़्यादा बंदों को आराम से धो के भाई वकासा बैंक के लेजेंडरी डुओ के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों की ताकत एक अलग ही लेवल पे थी। लेकिन लोग उन लोगों को भाई साहब केनवी वाकू ने उन लोगों को एक तरह से छुपा दिया, क्योंकि बोंटन में जैसे कि हम लोग को पता है कि भाई साहब बहुत ताकतवर बंदे हैं, जैसे कि हमारे काकुचो हो गया, हमारे कोकोनोई हो गया, ये बंदे वो वही बंदे हैं जो कि भाई इतने टाइम जो कि हमारे टोक्यो रिवेंजर्स में टोक्यो मांझी गैंग वैसे कांटो मांझी गैंग के बीच में भाई सब गैंग चेंज कर चुके हैं, जो कि भाई सब बड़ी अजीब बात है। क्योंकि जिस तरह से भाई कांटो मांझी गैंग अगर आगे बढ़ती जिसका प्रेजेंट है भाई कांटो मांझी गैंग, और बाद में जाके भाई बोंटन में तब्दील होने वाली है, तो उसमें भाई हमारे काकुचो और कोकोनोई तो थे, लेकिन भाई अगर प्रेजेंट में ही अगर वो लोग हट गए हैं तो भाई सोचो कि भाई हमारे बोंटन गैंग का क्या होगा। उसी तरह से भाई साहब अगर हम लोग की बात करी जाए कि हमारे वकासा और बैंक की अलग तरीके से, तो भाई हम लोग को पता चलता है कि वकासा बैंक एक अलग ही ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बोंटन गैंग में नहीं है। तो इससे हम लोग को खाली दो ही चीज़ पता चलती है कि भाई साहब वकासा और बैंक को या फिर मार दिया गया है जो कि भाई शायद ही हो सके, और भाई साहब वकासा बैंक अगर नहीं मरे हैं तो भाई इसका मतलब वो लोग भाई इसी लड़ाई में करने वाले हैं अपनी गैंग चेंज, या फिर वो पार्टी बदल लेंगे। जिस तरह से भाई साहब मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो, और ज़्यादातर लोग अगर ध्यान लगाए अगर फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में सोचे तो यही पता चलता है कि भाई साहब जब वकासा बैंक के भाई बोंटन में नहीं है जो कि आगे जाने वाले गैंग में है, और भले ही कांटो मांझी गैंग में है, तो भाई बीच में से वो गए तो गए कहाँ। लेकिन यही तो पता चलने से यही पता चलता है कि भाई साहब इन छोटी छोटी चीज़ों से यही पता चलता है कि भाई साहब इसी लड़ाई में जैसे कि काकुचो कोको नए ने भाई साहब गैंग चेंज करी है, उसी तरह से हमारे वकासा और बैंक भी गैंग चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस तो यही बनते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे वकासा और बैंक दोनों लड़ रहे हैं, और भाई साहब जिस तरह से हमारे एनओपी ने इन्हें बताने की कोशिश करी कि भाई साहब तुम लोग गलत साइड पर हो, इसी तरह से भाई हमारे सांजू की बहन भी उन लोगों के साथ भाई साहब एक रिलेटिव में है, क्योंकि एक कनेक्शन में है, उस तरह से वो लोग गैंग चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा से चांस यही बनते हैं कि भाई साहब वकासा और बैंक हमारे गैंग चेंज करेंगे, जिसमें से वो टोक्यो मांझी गैंग में आएंगे, और भाई साहब टोक्यो मांझी गैंग में आएंगे तो कुछ तरह से एक नॉर्मल सा मिनिमम हो जाएगा कि भाई साहब दोनों गैंग बराबर हो जाएंगी, और शायद ये भी हो जाए कि सारे बंदे आपस में लड़ के जो कि वकासा बैंक टोक्यो मांझी गैंग से लड़ के, ताकि मिची को माइक इसे 1v1 करने का मौका भी दिला दें। और भाई इसी के साथ भाई मैं यही बताऊंगा कि भाई केनवी वाकू ने शायद इसीलिए हमारे वकासा और बैंक को छुपाया है जो कि बोंटन में ना होके भाई साहब कांटो मांझी गैंग में है, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे कांटो मांझी गैंग में वकासा और बैंक हैं और बोंटन में नहीं है, उसी तरह से इसमें बीच के टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई साहब हमारे वकासा और बैंक दोनों एक अलग गैंग में, या फिर वो लोग भाई साहब डेलिक्वेंट लाइफ छोड़ देंगे। लेकिन ज़्यादातर यही चांसेस बनते हैं कि वो लोग टोक्यो मांझी गैंग की साइड हो जाएंगे।
तो इस वीडियो में खाली इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब मत किया करो भाई, एक लाइक कर दिया करो, एक कमेंट मार दिया करो तुम्हारी मर्जी से। और भाई साहब इसी लाइक और कमेंट की वजह से भाई साहब मोटिवेट होता हूँ कि भाई साहब आपके लिए एक और टोक्यो रिवेंजर्स पे वीडियो बनाता रहूँ और भाई ऐसे ऐसे कंटेंट उठाता रहूँ। तो बाय बाय, स्वीट आर ड्रैगन, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में, बाय बाय।